हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुड़ की चिक्की। तो ये मैंने मूंगफली ले ली है, 200 ग्राम के करीब मूंगफली है, कच्ची मूंगफली है। तो अब इनको रोस्ट कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे मूंगफली। हमें स्लो गैस पे भुननी है ताकि मूंगफली हमारी क्रिस्पी बने। गैस का फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना, स्लो रखना है, आराम आराम से भुननी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम तेज़ गैस पर भुनेंगे तो बाहर से तो भुन जाएंगी, जल भी जाएंगी, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इसलिए हम स्लो पे ही भूनेंगे। कढ़ाई थोड़ी सी भारी तले की लें, ज़्यादा हल्का तला ना हो। जो भारी तले की कढ़ाई होती है ना, उसमें बहुत अच्छे से भूनती है मूंगफली, और हल्के तले की में तो हीट ज़्यादा पकड़ती है वो। तो ये मूंगफली के दाने हमारे भुनना शुरू हो गए। देखिए हल्का हल्का सा इसमें कलर आने लगा है, छिलके पर छिलका अपना कलर चेंज करने लगा है, और ये हल्की हल्की सी चटक भी रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्की सी चटक दी है ना बीच में से, दरार पड़ी हुई, ऐसे ही खिल खिल के भून जाएंगी अच्छे से। दो मिनट इनको और भूनती हूँ मैं, दो मिनट बाद फिर ये अच्छे से भून जाएंगी, काफ़ी अच्छे से भुनेंगी। तो देखिए मूंगफलियों में हल्की हल्की चट चट की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये भुन रही है काफ़ी अच्छे से। जैसे खिलती है ना तो चट चट करती है मूंगफली भूजते टाइम, ये पहचान है कि हाँ मूंगफली हमारी अच्छे से भुन रही है। तो ये देखिए मूंगफली हमारी काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट भुनी है। ये देखिए ये छिलका भी अच्छे से छूटने लगा है, सब मूंगफलियों से अच्छे से छिलका छूट गया। अब हम कर देते हैं गैस ऑफ, इनको ठंडी होने देते हैं। गैस ऑफ करने के बाद भी इनको थोड़ा सा हिलाते रहें, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो नीचे से ही जल सकती है गर्म कढ़ाई में। तो थोड़ी देर आप हिलाएंगे, कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर नहीं जलेंगी। या फिर आप ना हिलाओ ज़्यादा तो आप दूसरे बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लें, तो जलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम ये सारी मूंगफली छील लेते हैं, इनके छिलके हटा के अलग कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इनको एक एक करके सारा मसल लेंगे, सारे छिलके अलग से छूट जाएंगे, या फिर हम दोनों हाथों से लेके इस तरीके से भी मसल सकते हैं। इसे मसलते जाएंगे हम, फटाफट छूट जाएंगे, देर नहीं लगेगी छुटाने में छिलके। ये देखिए जट से छूट रहे हैं, तो मैं ये सारे छुड़ा लेती हूँ। तो आप एक न्यूज़पेपर बिछा लें, इसके ऊपर हमारे छिलके आएंगे, तो हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको उछालेंगे ना, तो सारे छिलके आगे आगे निकल के बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए मैं छिलके निकल गए, जो कुछ बची हैं, जो छोटी छोटी मूंगफली के दाने हैं उन पर छिलका नहीं छूटा है, बस वो ही बची हुई हैं। तो हम इनको हटा देते हैं जिनका छिलका नहीं हटा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली हमारी साफ़ हो चुकी है, सारे छिलके हट गए। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, ये अदरक कूटने वाला होता है उससे, ताकि इसके दो पीस हो जाएं, साबुत ना रहे। तो ये हमने गुड़ ले लिया है, इसको या तो आप फोड़ लें, अगर आप फोड़ना ना चाहें तो चाकू की हेल्प से ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काट लें, तो ये बारीक बारीक हो जाएगा, फिर हमें आसानी रहेगी। ये देखिए मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ इसको, ये 200 ग्राम करीब गुड़ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए, ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं हैं। अब हम इसको रखते हैं गैस पर। अब हम गैस कर देते हैं ऑन। गैस ऑन करने के बाद सिर्फ हम 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे, ताकि गुड़ जले ना, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच डालना नाप के। ये देखिए वैसे मैंने 2 ही चम्मच डाला है। अब हम इसको हिलाते हुए मेल्ट करेंगे। देखिए थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े टुकड़े तो है नहीं, छोटे ही छोटे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो गुड़ हमारा जल जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा कड़वा आएगा। तो स्लो गैस पर ही आप मेल्ट करें गुड़ को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, बस हो ही चुका है, थोड़ी थोड़ी डरी बची हैं हल्की हल्की सी, इनको मैं ऐसे ऐसे फोड़ देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा पूरा मेल्ट हो गया है, इसमें कितने अच्छे बबल से बन रहे हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारे इसमें बबल से बन रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। एक चम्मच हम देसी घी डाल देंगे, देखिए जम गया है।
तो इसको भी हम डाल के इसी में मिक्स कर देते हैं। अब ये गुड़ हमारा थोड़ा थोड़ा वाइट सा कलर का होने लगा है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे क्या ये जमने की उसमें है या नहीं। हम एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी में इसको डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया इसको 2 मिनट। तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा हो गया, हल्का सा और हो गया, अभी ठंडा हुआ नहीं है। तो हम इसका बनाएंगे जैसे लंबा लंबा सा। ये देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं तो खिंच रहा है, अभी टूट नहीं रहा। तो अभी नहीं बना, थोड़ी देर और बनाएंगे। ये देखिए फूल गया है एकदम, ऐसा पेस्ट होता है ना, जैसे एकदम स्मूथ पेस्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी, एकदम क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत टेस्टी इसमें खुशबू आ रही है। जैसे फैक्ट्री होती है ना, इसमें गुड़ की पट्टी बनाई जाती है, पट्टी बोलते हैं कहीं, गुड़ की चिक्की बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री के पास से खुशबू आती है, बिल्कुल वही वाली खुशबू आ रही है। अब हम इसको एक बार और चेक करेंगे। तो देखिए मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा टपका देती हूँ। देखिए अब हम इसको तोड़ के देखेंगे। देखिए हो गया ये ठंडा, अब हम इसको तोड़ के देखेंगे। देखिए कितना, देखो फट से टूट गया ये, थोड़ा छोटा रह गया लेकिन ये देखिए टूट गया ना, बन गया ये, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इधर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे फूली फूली झाग झाग से बन गए एकदम, जैसे क्रीम। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। ये देखिए मैं इसमें मूंगफलियाँ डाल दी, अच्छे से कर देते हैं मिक्स। गैस ऑफ कर देती हूँ, इसको अच्छे से इसमें कर देते हैं मिक्स। तो ये देखिए पूरा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। इधर मैंने लिया एक बर्तन, एक थाल में हम घी ग्रीस कर लेंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब हम इसी में पलट देते हैं अपनी चिक्की। देखिए जल्दी जल्दी पलटेंगे, ज़्यादा देर ना हो जाए, नहीं तो ये सेट हो जाएगी ऐसे कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सेट होना शुरू हो गई है। तो जिस टाइम ये सेट हो रही है ना, उसी टाइम हम कट के निशान लगा लेते हैं। आप जिस भी शेप में काटें उसी शेप में निशान लगा लें, क्योंकि काट हम बाद में लेंगे, फिर निशान लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने गुड़ पट्टी बना के रेडी कर ली, हमने कट कर लिया, कट हमने पहले लगा लिया था, फिर मैंने छुड़ा नहीं सारी प्लेट में से। तो ये देखिए कितनी प्यारी बनी है, मैंने अलग अलग शेप में कट किए, छोटे छोटे कट किए बच्चों के लिए, जैसे बच्चे मांगते तो एक छोटा सा दे दो, बड़े बड़े हम बड़े लोगों के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए है ना क्रिस्पी, ये देखिए कितनी प्यारी क्रिस्पी। ये देखिए तोड़ने में एकदम आसानी से टूट रही है, कोई ये नहीं हमें जोर लगाना पड़ रहा चिड़चिड़ी बनी हो, नहीं। ये देखिए है ना फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है, कलर लाने के लिए जो कलर गुड़ का था सिर्फ वही कलर है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।